जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि 38/18 शनि मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से पुनः आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आपके कर्मों को गिनाने के लिए, आपके पूर्व जन्मों की लेखा जोखा को आपको गिनाने के लिए, यानी शाप सीरीज के उन 108 शापों को लेकर जो आपकी जन्म कुंडली में कुछ न कुछ तो हो सकते हैं अगर आपने कोई बुरा कार्य किया है पूर्व जन्मों में, जिसका लेखा जोखा यमराज के असिस्टेंट एक शैडो के रूप में निरंतर आपके हर बुरे कर्म का लेखा जोखा करते हुए आपके पाप कर्म के घड़े का भरने का इंतजार करते हैं, हर समय आपका पीछा होता रहता है एक अदृश्य शक्ति के रूप में और आपके हर अच्छे और बुरे कर्म का लेखा जोखा परमपिता परमात्मा ने चित्रगुप्त नाम के उस जासूस व्यक्ति के द्वारा करवाया हुआ है, जो कभी कोई गलती नहीं करते अपने कार्य में, आपके हर अच्छे कार्य को भी नोट करते हैं और आपके हर बुरे कार्य को भी नोट करते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से, जैसे मैं आपको वरदान की सीरीज में लगातार बता रहा हूं कि आपने ये अच्छा कार्य किया, आपके अच्छे कार्य के फलस्वरूप भगवान श्री सूर्यदेव ने यह वरदान दिया, भगवान श्री चंद्रदेव के द्वारा यह वरदान मिला, आपको मंगल देवता के द्वारा यह वरदान मिला, तो उसी प्रकार से यही देवता आपके कर्मों के हिसाब से शाप भी देते हैं। कौन सा शाप आपकी जन्म कुंडली में छुपा हुआ है, कौन से ग्रह देवता आपको कौन सा शाप दे रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जन्म कुंडली नरक बन गई है, आप जानना चाहते हैं ना, तो मैं इसी शाप की जानकारी देने के लिए, जिसके द्वारा आप जान सकें कि मेरे बुरे कर्मों के फलस्वरूप पिछले जन्म में जो मैंने किए थे या इस जन्म में जो बुरे कर्म कर रहा हूं उसके फलस्वरूप मुझे ये शाप मिला हुआ है, मिल सकता है, उसकी जानकारी आपको हो सके और आप बुरे कर्मों से डरें, बुरे कर्मों करने से दूर भागें, कभी बुरे कर्म की ओर प्रवृत्त ना हो। उन शापों को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसके आधार पर मात्र आप अपनी ही, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की या किसी भी जन्म कुंडली को देखकर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस जन्म कुंडली में कौन सा शाप है। आपको यह रोचक जानकारी लगातार प्राप्त होती रहे तो आप इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। ऐसा करने से आपको हमारी हर नई वीडियो के बारे में आवश्यक जानकारी स्वतः ही उपलब्ध होती रहेगी। एक और आमंत्रण देना चाहता हूं, हमारे सिर पर इलेक्शन सब का भूत सवार हो चुका है, हम लोग अपनी और विश्व की इस सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए संकल्पबद्ध होकर वोट डालने जा रहे हैं। क्या है आपके मन में, आप किसे वोट देंगे, मैं ये नहीं जानना चाहता। मैं जानना चाहता हूं अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री आप होते तो वो पहली तीन चीजें क्या होती जो आप इस देश के लिए करते, जिससे इस देश का भला होता, इस राष्ट्र का भला होता, आप सब लोगों का भला होता। तो मैं वो तीन बातें आप बिना किसी झिझक के मेरे इस वीडियो पर कमेंट्स करके बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता आप हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप सबसे पहले वो तीन महत्वपूर्ण कार्य क्या करेंगे जिससे इस देश का भला हो सके, इस देश का विकास हो सके और हमारा ये सनातन हिंदू धर्म वाला यह राष्ट्र पूरे विश्व में एक गौरवमयी राष्ट्र के रूप में एक सितारे की भांति चमचमाता रहे। तो वो ऐसे तीन कार्य आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप अवश्य भेजें कि अगर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो आप सबसे पहले तीन क्या कार्य करना पसंद करते। मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप जो भी मुझे कमेंट्स करके भेजेंगे मैं उनमें से चुनिंदा कमेंट्स को लेकर अपने प्रधानमंत्री तक अवश्य पहुंचाऊंगा आप लोगों की आकांक्षाओं को, क्योंकि आप अपने प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं जिसके लिए आप उन्हें वोट करते हैं, तो आप इस विषय पर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी प्रकार से मेरे इस
108 शापों की सीरीज के हर वीडियो को बहुत ध्यान पूर्वक आखिर तक अवश्य देखें, जिससे आपको पता चल सके, आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली को देखकर जान सकें या अपने परिवार या अपने बच्चों की जन्म कुंडली को देखकर जान सके कि उनको या आपको क्या क्या वरदान परम पिता परमात्मा ने देकर इस पृथ्वी पर मनुष्य लोक में भेजा है। शाप नंबर 6 कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति का बुरा सोचते हैं, किसी व्यक्ति का बुरा करने का प्रयास करते हैं, तो भी आप बर्बाद हो जाते हैं। यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली में भगवान भास्कर यानी भगवान श्री सूर्यदेव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, नीच के हैं, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, शत्रु के साथ बैठे हुए हैं और पीड़ित हैं, और अगर ऐसे व्यक्ति अगर किसी का बुरा सोचते हैं या किसी का बुरा करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति स्वयं ही बर्बाद हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति का बुरा सोचना, गांधी जी भी कहते थे, बुरा ना देखो, बुरा ना करो, बुरा ना सुनो। और भगवान सूर्यदेव भी आपकी जन्म कुंडली में अगर आठवें भाव में बैठे होते हैं तो वो भी यही कहते हैं, बुरा ना सोचो, बुरा ना देखो, बुरा ना करो और बुरा ना कहो और बुरा ना सुनो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य, आठवें घर में बैठे हुए सूर्य, आठवें खाने में बैठे हुए सूर्य आपको स्वयं बर्बाद कर देते हैं। तो एक नहीं 100 बार सोचिए, आप तो ज्ञात ही नहीं है कितने बार दिन में कितनी बार किसका बुरा सोचते हैं, और आपको तो पता ही नहीं आपके सूर्य कहां बैठे हुए हैं, कहीं आप इसी वजह से तो बर्बाद नहीं हो रहे हैं। अपने आप को जानिए कि आप क्यों ऐसा करें। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि आप में से अगर कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने बच्चों के ना पढ़ने से या ना अच्छे नंबर लाने से, अपनी नौकरी में नौकरी मिलने से ना मिलने से या प्रमोशन ना होने से, शादी विलंब से होने से ना हो पाने से या शादी होकर तलाक की नौबत आने से, घर में कलेश रहने से, संतान का सुख विलंब से या ना प्राप्त होने के कारण, या व्यापार में घाटा होने के कारण, या अपने स्वयं का मकान या स्वयं का वाहन ना होने के कारण, या स्वयं का व्यापार या स्वयं का ऑफिस नहीं होने के कारण, या किसी अन्य कारण से बीमारी कोर्ट कलेश वगैरह अन्य किसी कारण से किसी भी रूप में, या अपने प्रेमी को प्राप्त करने में असफल है यानी उसके प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आ रही है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से स्क्रीन पर जो नीचे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर हमसे एक अपॉइंटमेंट लेकर वीडियो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से हमसे संपर्क स्थापित कर सकता है। निश्चित रूप से हम इसके लिए छोटी सी फीस रखी हुई है जिसमें हम आपकी पूजा करते हैं, आपकी परेशानियों के अंगेंस्ट में जो भी परेशानी है उसके लिए बैठ के नित्य प्रति पूजा करते हैं, एवं आपको निशुल्क आपकी परेशानियों के उपाय बताते हैं। और इस जो फीस आप हमें उस बात के लिए पे करते हैं, वह फीस बहुत ही शुभ कार्यों में यानी भगवान के प्रसाद वितरण में, जो हम लगातार हर शनिवार को हर मंगलवार को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहां पर चलाते हैं, उस प्रसाद के वितरण में, एवं गरीब लड़कियों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने के लिए जो पिछले 10 सालों से हमने इंस्टीट्यूट चलाया हुआ है जिसमें हम उन्हें मल्टीमीडिया का कोर्स कराते हैं और निशुल्क कराते हैं, और साथ में आपके द्वारा दिए गए पैसों से उनको स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं, उस कार्य में प्रयुक्त की जाती है। तो जो भी व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की समस्या से कहीं भी कैसे भी परेशान है, तो बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप मुझसे, गुरु मां रुक्मणी से या स्वामी राज ऋषि से अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी सभी प्रकार की समस्याओं का हल जान सकते हैं। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पूर्व मैं आपके लिए अपने रिसर्च कार्य से तैयार किए हुए आपके पास शाप नंबर 7 लेकर शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।